नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास फोर्थ हिंदी का एक ऑनलाइन एग्जाम पेपर डिस्कस करने वाले हैं किसी केंद्रीय विद्यालय का। ऑल्दो इस बार मैंने आपको हाफ ईयरली की रिविजनल वीडियो नहीं कराई थी हिंदी की, लेकिन जितने भी अगर आपने क्विज की है अटेम्प्ट, जो कि आपको चैप्टर वाइज दी जाती है, अगर आप उनको अटेम्प्ट करते हैं रेगुलरली, तो आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन क्विज के बाहर से नहीं आया है, सारे क्वेश्चन आपको क्विज से मिल जाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसा पेपर आया था और क्या करेक्ट आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बादल किसके समान पंख लगाए हुए हैं? तो बादल परियों के समान पंख लगाए हुए हैं। कौवे के समान, पक्षियों के समान, परियों के समान, कबूतर के समान। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। बादल के थैले में क्या है? मिट्टी, पानी, धुआं, ओस। तो बादल के थैले में है पानी, बादल पानी ही बरसाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी की ना सुनते हुए बादल क्या बजाते हैं? तो बादल ढोलक, ढोल, मृदंग, तबला, शहनाई और तानपुरा, सितारों और सारंगी। तो बादल बजाते हैं ढोलक, ढोल। गुब्बारे जैसे गाल किसके हैं? आसमान के, बच्चों के, बादलों के, जोकर के। तो बादलों के है, कविता में सभी चीज़ बादलों के बारे में ही बताई गई है। अगला प्रश्न है, बीरबल किसको पसंद था? ख्वाजा सरा को, अकबर को, सभी दरबारियों को, किसी को नहीं। तो बीरबल फेवरेट तो था ये बहुतों का, लेकिन वहाँ के दरबारियों को और ख्वाजा सरा को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अकबर जो राजा थे वहाँ के, उनको बहुत पसंद था, क्योंकि उसके पास सभी सवालों के जवाब होते थे। अगला प्रश्न है आपका, ख्वाजा सरा के सवाल का जवाब देने के लिए भेड़ किसने मंगवाई थी? तो देखिए, ख्वाजा सरा के सवालों का जवाब किसने दिया था? बीरबल ने। तो ऑब्वियस सी बात है, भेड़ उसने ही मंगवाई होगी। तो यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। बीरबल कौन था? मंत्री, खजांची, बादशाह, सिपाही। खजांची बोलते हैं हम, जो आपके लेन देन की जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखता है, पैसे जो है आपके राज दरबार के कोष में, उसको खजांची कहा जाता है। तो बीरबल बादशाह तो थे ही नहीं, बादशाह अकबर थे, नॉट सिपाही। बीरबल मंत्री थे, ऑप्शन ए करेक्ट है। मंत्री होते जो अकबर को सलाह देते हैं अलग अलग मैटर्स में। अगला प्रश्न है, ख्वाजा सरा बीरबल से कितने प्रश्न पूछना चाहता था? तीन प्रश्न उसने पूछे भी थे, तीनों आपको पता भी होंगे क्या है, उनके उत्तर भी पता होंगे क्या है। एक क्वेश्चन इस प्रश्न वाले टॉपिक से तो बन ही जाता है हमेशा। अगला प्रश्न है, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा क्या कर रहा था? खेल रहा था, कहानी पढ़ रहा था, टीवी देख रहा था, गाने सुन रहा था। तो वो बैठ के कहानी पढ़ रहा था। दिनेश को गेंद कहाँ मिली? बगीचे से, छत से, सड़क से, खेल के मैदान से। तो उसको मिली थी गेंद बगीचे से। अगला प्रश्न है, दीपक की गेंद कितने महीने पहले खोई थी? तो यह इसका आंसर है 4 महीने पहले। जहाँ वो बच्चों से प्रश्न उत्तर करता है कि कितने महीने पहले गेंद खोई थी, वहाँ पे वो बताता है कि लगभग 4 महीने पहले, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है। अगला प्रश्न है, गेंद शब्द का बहुवचन बताइए। तो गेंद शब्द का बहुवचन होगा गेंदे। यस। शुरुआत में पापा क्या बनना चाहते थे? तो सबसे पहले आइसक्रीम वाला चौकीदार, शंटिंग वाला अध्यापक। तो अध्यापक वो कभी नहीं बनना चाहते थे, आइसक्रीम वाला, शंटिंग वाला उन्होंने तब सोचा जब वो प्लेटफॉर्म पर गए थे, वो हमेशा शुरू से चौकीदार बनना चाहते थे। अगला प्रश्न है, पापा आइसक्रीम का ठेला कहाँ खड़ा करना चाहते थे? घर के आगे, पार्क के पास, स्कूल के आगे, स्टेशन के पास। तो वो आइसक्रीम का ठेला स्टेशन के पास खड़ा करेंगे, पहले शंटिंग कर लेंगे, फिर आइसक्रीम बेच लेंगे, फिर वापस आके शंटिंग कर लेंगे। अगला प्रश्न है, अंत में फौजी के कहने पर पापा ने क्या बनने का फैसला किया? फौजी, इंसान, चौकीदार, इनमें से कोई नहीं। तो आखिर में जैसे फौजी ने उनको बताया, तो उन्होंने इंसान, अच्छा इंसान बनने का फैसला किया आखिर में। इंसान शब्द का सही अर्थ चुनो। इंसान मतलब क्या होता है? मानव, पशु, अफसर, फौजी। तो इंसान का मतलब है मानव, एक अच्छा मानव। नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुआ? पड़ोसी से, पुराने दोस्त से, भाई से, बेटे से। तो पुराने दोस्त से मिलकर वो बहुत खुश हुआ था, जिनका नाम था जमाल। अगला प्रश्न है, जमाल साहब के अनुसार उनकी पोशाक कैसी थी? भड़कीली, सुंदर, गंदी, मामूली। तो उन्होंने कहा था मेरी पोशाक बहुत मामूली है, जिसके बाद कि नसीरुद्दीन ने उनको अपनी पोशाक दी थी। अगला प्रश्न है, इस मामूली पोशाक में मैं लोगों को नहीं मिल सकता, ये बात किसने कही थी? नसीरुद्दीन ने जमाल से, जमाल ने नसीरुद्दीन से, नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से, जमाल ने नसीरुद्दीन से। तो ये, सॉरी, जमाल ने हुसैन साहब से, अभी सेकंड ऑप्शन। तो ये कहा था जमाल ने नसीरुद्दीन से। घड़ों पानी पड़ना किसी पर, जैसे कि आपके चैप्टर में जमाल साहब के ऊपर पड़ता है, तो इसका मतलब है क्या है? शर्मिंदा होना, घड़े का पानी पीना, घड़े में से नहाना, गुस्सा होना। तो इसका मतलब है आपका शर्मिंदा होना। बादल कितने समुंदर भर लाए हैं? तो देखिए, कितने ओशंस हैं अर्थ के ऊपर? 7 ओशंस है, अगर आपने जीके की क्विज देखी है तो 7 समुंदर भर के वो लाए हैं। आपको स्टोरी में, सॉरी, पोएम में भी दिया हुआ है।
कवि अपने भैया से किसका सागर भर लाने को कहता है? रस का, पानी का, दूध का, सभी का। तो वो पानी का सागर भर लाने को कहता है। बच्चा भैया को क्या टटोलने से मना करता है? बिस्तर, जेब, अपनी गुल्लक, भैया की गुल्लक। तो वो अपनी गुल्लक टटोलने के लिए मना करता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी गुल्लक बहुत हल्की है और भैया की गुल्लक बहुत भारी है। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। जब पानी पड़ेगा तो क्या भर जाएगा? छत, शहर, लंबी चौड़ी गली, घर। तो लंबी चौड़ी गली भर जाएगी। अगला प्रश्न है, ले आओ कागज़ चमकीला, लाल, हरा या नीला, पीला। किस चीज़ से नाव बनाने को कहा जा रहा है? सफ़ेद कागज़, लोहा, लकड़ी, चमकीला कागज़। तो चमकीले कागज़ से नाव बनाने के लिए कहा जा रहा है। राज्यसभा में किस प्रकार के लोग आते रहते थे? नामी, विद्वान, सज्जन, दुखी। तो विद्वान और सज्जन लोग कभी नहीं आते थे, दुखी लोग आते रहते थे, जिनकी की बात जो राजा है वो कभी सुनता नहीं था, उनको कभी दान देता ही नहीं था उनकी परेशानी सुनकर। अगला प्रश्न है आपका, राज्य में कौन सी विपत्ति आ गई थी? भूकंप, अकाल, बाढ़, महामारी। तो राज्य में अकाल पड़ गया था जिसमें लोगों को खाने की कमी हो गई थी। आपका अगला प्रश्न है, वह कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में संज्ञा छाटो। संज्ञा मैंने बताया हुआ है, किसी का भी नाम। वह तो किसी का नाम नहीं, यह आपका सर्वनाम है। कल दिल्ली आ जाएगा, यह आपकी क्रिया है। कल आने वाला, कल एक तरीके से दिल्ली आपकी एक संज्ञा है क्योंकि किसी शहर का नाम है। राजा कैसे कपड़े पहनता था? साफ, लकदक, पुराने, फटे पुराने या फिर रंग बिरंगे। तो वैसे तो कैसे भी कपड़े हो सकते हैं क्योंकि वो खुद पर बहुत खर्च करता था, लेकिन आपकी चैप्टर के पहले ही लाइन में दिया हुआ है कि वो लकदक कपड़े पहनकर अपने ऊपर हज़ारों खर्च करते थे। तो यानी कि कौन सा वर्ड दिया हुआ है? लकदक। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, राजा किसे दान देने को तैयार हो गया? प्रजा को, मंत्री को, विद्वान को या फिर सन्यासी को। तो उसने किसी को नहीं दिया था, लेकिन सन्यासी ने जब उससे मांगा तो उसे वो अमाउंट बहुत कम लगा, उसने उसको देने के लिए तैयार हो गया था, ऑल्दो उसने पहले कैलकुलेशन नहीं की थी। ओके, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो आपके एग्ज़ाम में आए थे केवी के किसी ऑनलाइन एग्ज़ाम में, और आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी अगर आपने वीडियोस ध्यान से देखी है तो। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।